Good morning, students. I hope you all are fine at your home, fit, healthy, eating healthy, and everything would be nice at your home. Yes, I must say. Now, this is your maths class, as I can say, and now your PT1 exams are over. So, from now onwards, we'll be continuing with our PT2 syllabus. Okay, now, for PT2, the lesson number 1, that is, I can say that lesson number 4. But PT2 का हमारा क्या है? First lesson जो हमारा PT2 का है, that is lesson number 4, addition. In my last live class, I have explained to you the revision part of place value. Yes, but due to some network issues, some students were unable to understand it. So in this video, I'll be taking that part here also and some additional part of the lesson number 4, addition. So let's continue with the topic. In the last class, I have explained to you the revision of place value. Yes, place value we had already studied, hum pehle kar chuke hain, that is lesson number 2. Ye hum PT1 mein kar chuke hain. Now, what is place value? Kya hota hai place value? Let me repeat. Value of the digit according to its position or place. Place value kya hota hai? Koi bhi number agar main aapko de do, कोई भी नंबर, ठीक है, उस नंबर में किसी भी डिजिट, कोई भी जो डिजिट होता है, नंबर किससे बनता है? डिजिट से बनता है. जैसे कि मैं कोई नंबर लेती हूँ, सपोज लेट मी टेक 389. यस, मैंने ये नंबर लिया, तो इस ये है एक पूरा, इसको हम बोलेंगे नंबर. 389 इज अ नंबर. लेकिन ये नंबर कैसे बना? 11 डिजिट को ज्वाइन करके, 9 डिजिट को लेके, 8 डिजिट हमने इसमें पुट किया तो बना, 3 इसमें पुट करा तो बना. तो 389 इज द डिजिट, तो हमने इसको नंबर कहते हैं. नाउ प्लेस वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द डिजिट, मतलब किसी भी डिजिट, या तो 9 की, 8 की, 3 की, ये 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं. तो डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना, अब डिजिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिजिट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन, उसकी पोजिशन देख के. पोजिशन वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी प्लेस देख लो. उसकी प्लेस देख के हम फाइंड कर सकते हैं उस डिजिट की वैल्यू क्या है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड करने के 3 वेज होते हैं. आप सेकेंड क्लास में सिर्फ 3 वेज करेंगे, ओके. फर्स्ट आता है आपका वंस, ओके. नेक्स्ट आता है आपका टेंस, एंड थर्ड वन इज हंड्रेड्स. ओके, अब आपको प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? वन, वन का मतलब सबको पता होता है, वन मतलब वन. यस, टेन, टेन का मतलब भी सबको पता है, क्या होता है टेन? 10. हंड्रेड ऑल्सो, you know the meaning of 100, that is equals to 100. Yes, now what do you mean by s? Why we have put s here? Hundreds, ones, tens, what is the meaning of this? ये हमने इसलिए put करा है ताकि हम उसकी place value find कर सके. अब s का मतलब क्या हुआ? Multiply. क्या हुआ s का मतलब? Multiply. Here also s, multiply, that is multiply by 1, multiply by 10, multiply by 100. वापस से रिपीट कर रही हूं. प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट की वैल्यू को फाइंड करना उसकी प्लेस को देख के, ओके. 3 तरीके होते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. आप सिर्फ सेकेंड क्लास में हंड्रेड्स तक करेंगे अभी, ओके. वंस मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, और हंड्रेड्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. अब मैंने आपके लिए ये नंबर लिया था, यस, 389. अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखती हूँ. ये है वंस, ये है टेंस, और ये है हंड्रेड. तो सबसे पहले हम किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करें? ओके, सबसे पहले हम 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके. सबसे पहले किसकी करनी है? 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्ट वील फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9. अब 9 किसकी प्लेस पे है? वंस की प्लेस पे. सो वी विल राइट 9 वंस, ओके. व्हाट वी विल राइट? 9 वंस. और एक सेकेंड तरीका मैंने भी आपको बताया था, इजी वे, कैसे कि हमें 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो वंस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 1.
वंस का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय वन, तो वंस को हटा देते हैं और लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय वन। ओके, तो नाइन वंस आर नाइन, टेबल आती है नाइन वंस आर नाइन, तो या तो हम नाइन वंस लिख सकते हैं या हम खाली नाइन भी लिख सकते हैं। आगे करते हैं, एट की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। सो एट की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एट कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है, तो हम क्या लिख देंगे एट टेंस। और इसका भी एक अनदर वे है, जैसे हम सबका दूसरा नाम होता है ना, एक स्कूल में नेम होता है, एक घर पे नेम होता है, ऐसे ही इसका भी दो तरीके हैं। फर्स्ट ये वाला है और एक सेकंड वे भी है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिखा एट और टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टेन, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय टेन इज इक्वल्स टू एट टेंस का कितना होता है, एट टेंस का एटी, सो वी विल राइट एटी, तो हम एटी भी लिख सकते हैं और एट टेंस भी लिख सकते हैं। लास्ट हंड्रेड, थ्री हंड्रेड, तो हम थ्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो थ्री कौन सी प्लेस पे है, हंड्रेड्स पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स। और इसका भी दूसरा तरीका है, कैसे, थ्री और हंड्रेड्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, सो आई विल राइट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड, तो ये थ्री हंड्रेड हो गया, तो हम थ्री हंड्रेड भी लिख सकते हैं, थ्री हंड्रेड भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका प्लेस वैल्यू, मतलब किसी भी डिजिट का, वन वन डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, मतलब उसकी प्लेस की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी जगह की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना ही वैल्यू है उसकी, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है वो, कौन सी जगह पे है। अंडरस्टूड, ये हो गया आपका रिविजन। अब ये वाला प्लेस वैल्यू ये मैंने क्यों करवाया, बिकॉज दिस प्लेस वैल्यू will going to help you in doing lesson number 4 addition question number 1, ये बहुत help करेगा आपके और वो important भी है क्योंकि वो आपके subtraction में भी work करेगा, so let's continue with that, okay।